हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी सेसफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया से सैंडविच, वो भी मल्टीग्रेन ब्रेड से। तो वेट लॉस सैंडविच भी कह सकते हैं आप। चार पीस हमने मल्टीग्रेन ब्रेड के ले लिए हैं। न्यूट्रेला बटर लिया है, न्यूट्रेलाइट बटर, और पनीर को हमने क्रम्बल कर लिया है, घर का पनीर है, इसको क्रश कर लिया है। हाफ शिमला मिर्च हमने ले ली है, एक टीस्पून हमने चुकंदर को ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आधी गाजर को ग्रेट कर लिया है, और ये हमने लिए हैं कॉर्न। साथ में जो मसाले हम डालने वाले हैं वो है सेंधा नमक, काली मिर्ची, चाट मसाला, ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, और काली मिर्ची जो है ये कुटी हुई है फ्रेश, 2 पिंच ली है। हरी मिर्च के सीड्स निकालकर थोड़ी सी हरी मिर्च ली है। तो इन सबको करते हैं मिक्स और बनाते हैं फटाफट यमी से सैंडविच। तो हम डालेंगे ये सब्जियां, आप जो नहीं पसंद करते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चुकंदर, बीटरूट मैं बाद में डालूंगी, पहले मैं डाल रही हूँ पनीर। और ये ना बार बहुत सारी आपको लेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। पनीर भी मैंने 1/4 कप के करीब लिया है, और ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, करेंगे मिक्स अच्छे से। देखिए बस बाइंड हो जाए इतना हम इसमें ये सब डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम हाथ से ऐसे मिक्स करेंगे, ताकि क्या है ये जो पनीर है ना अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और बाइंड होने जैसा हो जाए, है ना, खिला खिला ना रहे, क्योंकि आप जब सैंडविच पे रखेंगे तो वो बिखर ना जाए इधर उधर, इसलिए। और अगर मैं चुकंदर पहले डाल दूंगी ना तो उसमें पूरा ही पर्पल कलर लगेगा और सब कलर खराब हो जाएगा, तो मैं इसको बाद में बस हल्का सा मिक्स करूंगी, तो ये रीजन है बाद में मिक्स करने का। आप चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं। देखिए जब इस तरह से ऐसे बाइंड हो जाए ना तब आप इसको छोड़ दें। अब हमने क्या किया है, इसमें हमने ना नमक वगैरह भी सब टेस्ट करके देख लिया है, ठीक है। अब इसमें हम हल्के हाथ से ना ये हल्की सी बीटरूट ऐसे बस मिक्स करेंगे, ताकि वो सारा कलर जो है ना पर्पल ना हो। तो नमक टेस्ट कर लिया, ब्लैक पेपर थोड़ा सा हमने और डाली है, क्योंकि इसकी खुशबू ना इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक पेपर की खुशबू तो बहुत ही यम्मी है। तो सबसे पहले हम लेंगे ये ब्रेड, इस पर स्प्रेड करेंगे ये फिलिंग, और मैं हाथ से ही रख रही हूं इसके ऊपर। देखिए ऐसे इसको चारों तरफ से दबा लेंगे, और यकीन मानिए ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें मैं नीचे कोई बटर वटर नहीं लगा रही हूं, बटर घी कुछ नहीं लगा रही हूं, बस आप देख सकते हैं ऐसे पूरे कॉर्नर्स अच्छे से पैक करके हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि ये फिलिंग गिरे ना, और इसके ऊपर रखेंगे ये ब्रेड। तवा हमने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है ऐसे इस डिज़ाइन करके, और अब हम तवे पर लगाएंगे थोड़ा सा बटर, ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा ही लगाना है क्योंकि ब्रेड पे ज़्यादा लगता है, और हम इसके ऊपर इस तरह से इसको रख देंगे। देखिए गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, और इसके सिकने की इंतजार करते हैं। तब तक दूसरे पे भी हम फिलिंग कर लेते हैं। हमने दूसरा सैंडविच भी रख दिया है, और अब हम इसको पहले वाले को पलट के देख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको सेक रहे हैं। ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी, यानी आपको सैंडविच मेकर की भी जरूरत नहीं है। देखिए सुन रहे हैं ना आप आवाज, और जला भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से चारों तरफ से फिलिंग जो है गर्म होके सेट हो जाती है। और देखिए कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है, और हल्का सा हमने बटर लगाया है, वो भी तवे पे। अगर आप इस पे लगाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, लेकिन तवे के ऊपर हमने हल्का सा बटर लगाया है, सेका है, और ये वेट लॉस सैंडविच फुल ऑफ वेजिटेबल्स, पनीर, तो आपको बहुत यमी लगने वाले हैं। तो चेक करते हैं दूसरी तरफ से भी, ये देखिए पास से देखिए आप, बिल्कुल भी जला नहीं है और क्रिस्पी बहुत है, ऐसा नहीं है क्योंकि हमने धीमी फ्लेम पर कसा है, सेका है सॉरी। अब ये स्लैब साफ है, हम इस पे रखेंगे,
और आपको कट करके दिखाएंगे। तब तक आप ये दूसरा सैंडविच भी देखिए, मतलब धीमी आंच पे करेंगे ना आप तो बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और कितने सारे सीड्स हैं इसके अंदर, है ना, देखिए पास से। तो आप इस तरह से बनाइए। अब हम करते हैं ये वाला सैंडविच कट। तो ये किसी भी शेप में आप कर सकते हैं कट, आवाज आप सुन सकते हैं, थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से आप कट करेंगे। और ये देखिए कलरफुल यमी से सैंडविच बनकर तैयार हैं। आइए करते हैं इनकी प्लेटिंग। देखिए मैंने ना इनको छोटे ट्रायंगल में कट कर लिया है, तो वो आप एक छोटा सा पीस उठाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा प्रेस करें, फीलिंग इतनी ज्यादा है कि देखिए बाहर निकल रही है। बहुत ही बढ़िया, ये यमी सैंडविच हमारे बनकर तैयार हैं। अब ये देखिए बीटरूट बाद में मिक्स करने से क्या है, व्हाइट भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है, बीटरूट का कलर भी है, तो ये फिर ना अच्छा लगता है। अदरवाइज क्या है, सभी कुछ पिंक पिंक हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर व्हाइट भी दिख रहा है ना। तो बहुत ही बढ़िया यमी ये सैंडविच बनकर तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।